नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। 23 करोड़ की आबादी, लगभग 1800 व्यक्ति पर एक डॉक्टर, कुल 190 छोटे बड़े अस्पताल, उस पर भी न पर्याप्त सुविधाएं और न दवाइयां और न मेडिकल उपकरण है। मजहबी और गवारू जनता का एक बड़ा तबका, अनाड़ी पीएम पर उससे भी चार छलांग लगाने वाले मंत्री और अधिकारी, मगर बावजूद इसके अभी तक यही दिखाने का प्रयास किया गया कि उन्होंने मुल्क में फैली इस महामारी को बहुत हद तक नियंत्रित किया है। अन्य देशों के मुकाबले यहाँ कम मौतें और कम संक्रमण फैला है। सीमित लॉकडाउन के बाद भी यहाँ संक्रमण ज्यादा पैर नहीं पसार पाया है। ऐसी चालबाजी केवल एक ही मुल्क कर सकता है और उसका नाम है पाकिस्तान। मगर वहां की मीडिया ने एक ही झटके में इमरान की सारी पोल खोलकर हड़कंप मचा दिया है। इस खुलासे के बाद यह साबित हो गया कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के आंकड़े कितनी चालाकी से छुपाने की कोशिश हुई थी। यहां के प्रमुख अखबार द ट्रिब्यून ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसके मुताबिक अकेले कराची शहर में 49 दिनों में 3,265 शव दफनाए गए हैं। यह आंकड़ा केवल कराची शहर के 30 कब्रस्तानों का है। इन लोगों के मरने की वजह सरकार ने नहीं बताई है। वैसे दो दिन पहले ही हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने भी यह बताया था कि कैसे पाकिस्तान में एक ही दिन में 300 लोग मारे गए, मगर इमरान सरकार उन्हें दमे का मरीज बता रही थी। दरअसल पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही है। कोरोना से पाकिस्तान में बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं। गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो यहां 40,000 से ज्यादा टोपीबाज लिपट चुके हैं, लेकिन सरकार इनकी पुष्टि नहीं कर रही है। खास बात यह है कि आपके इस चैनल ने पाकिस्तान में कोरोना से मौत और संक्रमितों के जो आंकड़े दिए थे, अब वहां की मीडिया से उसकी पुष्टि हो गई है। पाकिस्तान के हालात खराब हैं और यह मुल्क दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है, पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय को आदेश मिला है कि वह भारत में कोरोना वायरस से हो रही मौतों और संक्रमण के मामलों को लगभग 50% से ऊपर नीचे ही रखकर दिखाए, किसी भी परिस्थितियों में उन्हें भारत से ऊपर नहीं जाने दे। और अभी तक उसने यह औसत भारत के मुकाबले 50% के आसपास टिकाए रखा है, जबकि भारत के मुकाबले पाक की स्वास्थ्य सेवाएं, सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदम, जनता को दी गई सुविधाएं और राहत पैकेज 10% भी नहीं है। अब एक और चौंकाने वाला आंकड़ा देख लीजिए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में करीब 22,418 मरीजों को इमरजेंसी में लाया गया। इनमें से 945 लोगों की अस्पताल में आने से पहले ही मौत हो गई, जबकि 1800 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई थी, मगर किसी भी मौत की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। अकेले कराची में ही 10,791 मरीजों को इमरजेंसी में लाते वक्त 121 टोपीबाज रूठ गए। 435 मरीजों ने बाद में हुरों के लिए प्रस्थान कर दिया, परंतु सरकार ने उनकी मौत की वजह की कोई पुष्टि नहीं की। अगर पाकिस्तान आंकड़े और मौत की वजह इसी तरह छिपाता रहा तो यह इस मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को लेकर आज सुबह तक जो आंकड़े जारी किए, वे अभी भी भारत के 50% के आसपास ही दिखाई पड़ते हैं। भारत में 13,835 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि यहां 452 की मौत हुई है, जबकि पाकिस्तान ने संक्रमित मरीजों की संख्या 7,200 बताई है और कुल 141 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बड़ी बात यह है कि यहां फैसलाबाद के तबलीगी जमात प्रमुख मौलाना सुहैब रूमी और सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह के बहनोई तक हुरों की खोज में भाग गए हैं। ये प्रभुत्व वाले लोग थे, पर पाकिस्तान की 48% गरीब आबादी में कितनों के पत्ते कटे हैं, उनका कोई कच्चा चिट्ठा पाकिस्तान नहीं बता रहा है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि यहां जितने व्यक्ति कोरोना वायरस से दम तोड़ रहे हैं, उतने ही लोग भुखमरी और बिना इलाज के कारण मारे जा रहे हैं। पर दुनिया अचंभे में है जब सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया, यूएई इस्लामिक जैसे मुल्क इस महामारी से पस्त हैं, पाकिस्तान के पास किस मुल्क का टोटका है, जहां केवल अब तक 141 मौत ही हुई है, जबकि इस फंटर मुल्क के पास न रोग से लड़ने के लिए पैसा है और ना ही संसाधन मौजूद है। चीन ने भी दो दिन पूर्व तक यही चालबाजी खेली थी, मगर अब दुनिया का दबाव बढ़ा तो उसने एक ही झटके में वुहान के मौतों का आंकड़ा दुगना कर दिया है। अब उसने कहा है कि अकेले वुहान में ही 3,869 मौतें हुई है,
पाकिस्तान भी चीन के ही पदचिन्हों पर चल रहा है, मगर अब धीरे धीरे सच्चाई दुनिया के सामने आने लगी है, जो यकीनन पाकिस्तान में एक बड़े विद्रोह को जन्म दे सकती है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।